स्पेशल एक बहुत ही अच्छा फैशन शो लेके आ रहा है और हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए और पूरी तरह से उनको सपोर्ट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए और इस शो को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू। गीता आचार्य 12 आइकॉन फर्स्ट रनर अप हूँ, तो शो कर रही है रियल वॉइस फाउंडेशन, उसमें जुड़ी हुई है। थैंक यू। नमस्कार, जागृति नंदा वॉइस फाउंडेशन की तरफ से ट्रांसजेंडर्स के लिए जनवरी एंड में एक फैशन शो आयोजित कर रही हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं भी इस इवेंट का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहूंगी, मैं हो सकती है। आप मोटिवेट कीजिए, आप एक्टिव वॉलंटियर पार्टिसिपेट कीजिए, आप आइए और इस शो को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नंदिनी गुप्ता, मिसेज भारत आइकॉन 2019। वर्षा जी मुझे जो मिले हैं वो उनसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो अपने रियल वॉइस फाउंडेशन के लिए काम कर रही हैं। उनके प्रोग्राम को भी आप आगे बढ़ाइए और ये इस मुंबई वालों के लिए, मुंबई वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। आई एम नम्रता नाहार, भारत आइकॉन विनर, फर्स्ट रनर अप। बेसिकली ये जो सो ये रियल वॉइस फाउंडेशन है जो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर के लिए एक मौका दे रहे हैं फैशन शो करने के लिए। दिस इज़ अमेजिंग रियली, क्योंकि सोसाइटी में उनको भी रिस्पेक्ट देना हक बनता है। नमस्ते, मेरा नाम टीना है, मैं फैशन शो में भाग ले रही हूँ। हमारी जो कला है आप उसे देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी इंटरटेनमेंट होगा इसमें। रियल वॉइस फाउंडेशन की तरफ से फैशन शो होने जा रही है और इसमें हमारी जो सुराया गुरु है सपोर्ट कर रही है और जो लोग हैं सब हमें सपोर्ट कर रही है। सबका धन्यवाद एंड शुक्रिया करने चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रिया खान और हमारा सूर्या गुरु का बोलो या रॉयल फेडरेशन तरफ से शो हो रहा है, हम लोग उसमें अटेंड कर रहे हो और हम लोग भी शेयर करना है और आप लोग का धन्यवाद है और आप लोग इस फैशन शो में सपोर्ट करना है और आप लोग के धन्यवाद। आपका नाम? नमस्कार, मैं बॉबे सांग बोल रही हूँ, मैं फैशन शो करने जा रही हूँ एक बार। आप लोग देखें, मुझे आप लोग की दुआएं, स्टूडियो लाने के लिए आप लोग की दुआएं आप देखें अच्छे से, सपोर्ट करें अच्छे से, मुझे बाहर देखें, मुझे दुआ दें आप लोग अच्छे से रहोगे बस। आगे रियो राय फाउंडेशन से तरफ से रियल न्यूज ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। हाँ बताएं जी। हाँ, ये हमारा किन्नर फैशन शो आ रहा है, श्रीमती किन्नर फैशन शो, जो मुंबई में है, जो ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करता है, थर्ड जेंडर को। तो इसके रिगार्डिंग से आपसे बात करना है कि आप किस तरीके से इनको आप नजर से देखते हो और किस तरीके से आप सपोर्ट इनको करते हो। कुमार है, मैं पिछले 22 वर्षों से लगातार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वर्क करता आ रहा हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली ही है, मैं बॉम्बे और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री जाता रहता हूँ टू डू ऑल द लीगल वर्क एंड आई हेल्प एंड आई वर्क प्रोफेशनली। थैंक यू सो मच। देखो ऐसा है कि इनमें जो बेसिक इशू है कि जो इक्वालिटी वाला स्टेटस है जी, और जो एक जनरल अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ऑल द राइट, बट वॉट वी हैव टू सी दैट इन सोसाइटी वेदर वी हैव टू जनरेट द अवेयरनेस अमंग द सोसाइटीज दैट रियली दे आर लाइकिंग एंड दे आर ट्रीटिंग देम इक्वली और नॉट। फॉर दैट वी हैव टू स्ट्रगल एंड वी आर स्ट्रगलिंग।
to bring them in the proper forum, proper recognition. तो अभी हमारा जो है शो है अभी मुंबई में होने जा रहा है. हाँ, तो आप बताइए इसमें आप किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए आपके इससे, मतलब किस तरीके से. हाँ, देयर आर टू थिंग्स. वन, जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें हम इनको क्या हेल्प कर सकते हैं. जी जी. सेकंड, जो सोसाइटी में जो अभी भी जो एक टैबू है जो जो ड्यू टू नॉन अवेयरनेस. ओके, थैंक यू सो मच. ओके ओके. रिगार्डिंग एजुकेशन, वो बहुत बेसिक नेसेसिटी है. इट इज अ फंडामेंटल राइट एंड उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए. अच्छा. और उसमें मैं जो मदद कर सकता हूँ जरूर करूंगा. एंड आई एम ऑल्सो लीगली जहाँ जो रिक्वायरमेंट होगी, जो लीगल हेल्प होगा, लीगल एजुकेशन होगा, आई एम डूइंग एंड आई विल बी रेडी टू डू दैट थिंग्स. ओके ओके, चलिए अच्छा. नहीं जी, ठीक है.